हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 5 कमिंग मोबाइल्स की, उसकी प्राइस, उसकी लॉन्च डेट, उसकी फुल स्पेक्शन। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरे मोबाइल बेस्ट हैं। तो मैं हूं वसी और आप देख रहे हैं अमेजोन शॉप। पे आता है ओप्पो A72 5G। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V10Q है, 8GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 720 है, डिस्प्ले इसमें 6.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका IPS LCD है। बात करें कैमरा की तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा है 16+8+2 MP का, और फ्रंट कैमरा इसमें 8 MP का। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, बट SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। बैटरी इसमें 4040 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 20,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 20,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं ओप्पो इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 25 सितंबर 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 2 पे आता है Xiaomi Redmi K30i। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V10Q है, 6GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 765G है, डिस्प्ले इसमें 6.67 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका IPS LCD है। बात करें कैमरा की तो इसमें 4 रियर कैमरा है 48+8+5+2 MP का, और डुअल फ्रंट कैमरा इसमें 20+2 MP का। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, बट SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। बैटरी इसमें 4500 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 20,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 20,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं Xiaomi इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 14 सितंबर 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 3 पे आता है Vivo IQ5। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V10Q है, 6GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 865 है, डिस्प्ले इसमें 6.56 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका AMOLED है, और फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें ऑन स्क्रीन है। बात करें कैमरा की तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा है 50+13+13 MP का, और फ्रंट कैमरा इसमें 16 MP का। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, बट SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। बैटरी इसमें 4500 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 36,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 36,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं वीवो इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 25 सितंबर 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 4 पे आता है Huawei Mate 30 Lite। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V10Q है, 6GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें सिलिकॉन का क्रिन 810 है, डिस्प्ले इसमें 6.26 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका IPS LCD है। बात करें कैमरा की तो इसमें 4 रियर कैमरा है 48+8+2+2 MP का, और फ्रंट कैमरा इसमें 32 MP का। स्टोरेज इसमें 64GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 256GB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 4000 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 18,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 18,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं Huawei इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 15 सितंबर 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 5 पे आता है Nokia 5.3। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V10Q है, 3GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 665 है, डिस्प्ले इसमें 6.55 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका IPS LCD है। बात करें कैमरा की तो इसमें 4 रियर कैमरा है 13+5+2+2 MP का, और फ्रंट कैमरा इसमें 8 MP का। स्टोरेज इसमें 64GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 512GB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 4000 की रहेगी, बट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 14,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 14,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं Nokia इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है।
अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 10 सितंबर 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 अपकमिंग मोबाइल्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।